नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका पोस्ट डिलीवरी सीरीज़ के डे टू के अभ्यास में। शुरू करते हैं अभ्यास। तो आज भी हम सुखासन से ही शुरू करेंगे। इस तरीके से आप आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। ध्यान रखें कि आपको खाली पेट ही ये शुरू करना है। शुरू करते हैं ग्रीवा संचालन से। अपने हाथों को इस तरीके से रख देंगे। सांस भरिए, पहले छोड़िए। अब अपने चेस्ट पे अपनी चिन को इस तरीके से धीरे धीरे आपको घुमाना है, ग्लाइड करना है दोनों डायरेक्शन में। सांस भरते हुए एक तरफ पूरा देखेंगे और छोड़ते हुए ग्लाइड करते हुए धीरे 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 फिर दूसरी तरफ। चार से पांच बार कर लें ऐसा। सेंटर में आ जाएं, सामने देखें और फिर गर्दन को पीछे डाल के इस तरीके से घुमाएं। एक, दो, तीन, चार, पांच। आ जाएं सेंटर में, सामने देखें। अब करेंगे हम स्कंद चक्र। कल हमने किया था, उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। इस तरीके से उंगलियों को मिला के अपने कंधे पे रख लेंगे, सामने पूरा खोल देंगे। अब हमें गोल गोल घुमाना है। किस तरीके से? सांस भरा, छोड़ा, नीचे। एक, दो, तीन, चार और पांच। दूसरी तरफ करेंगे। एक, दो, तीन, चार और पांच। हाथ नीचे। इसके बाद हम करेंगे सीटेड ईगल पोज, जिसमें अपनी आर्म्स को सामने लेके आ जाएं। इस तरीके से क्रॉस करें। तो राइट वाली आर्म को मैंने पहले ऊपर रखा है और फिर इस तरीके से आपको रैप करते हुए दोनों हथेलियों को आपस में मिलाना है। आंखें बंद और सामने देखें। पीठ एकदम सीधी रहेगी। यहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स करें। ये देखिए, जो कोनी है वो एकदम सीधे रहेगी आपकी। ये नीचे नहीं जानी चाहिए, ऊपर करके सीधा रखें और सामने देखें या आंखें बंद। धीरे से अनफोल्ड करें, हाथों को खोल दें। यही सेम चीज़ दूसरी आर्म के साथ। लेफ्ट को ऊपर इस तरीके से रैप करें। अनफोल्ड, आर्म सीधे और फिर नीचे आ जाएगा। इसके बाद हम साइड में बेंड करते हैं। राइट हैंड को इस तरीके से रखा हमने, उंगलियां पूरी खुली हुई हैं, हिप के एकदम बगल में रखेंगे। इस तरीके से सांस भरते हुए हमें बेंड करना है। जब बेंड करेंगे तो दूसरे हाथ को मोड़ देंगे, लेकिन दृष्टि आपकी सीलिंग की तरफ रहेगी। यहाँ पे होल्ड। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ऊपर आइए, सांस भरिए, छोड़ते हुए नीचे, और दृष्टि आपकी अपने हाथ की तरफ ही रहेगी। अब दूसरी तरफ कर लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच। सांस अंदर, छोड़ते हुए बाहर, हथेली नीचे और दृष्टि आपकी इसकी तरफ ही रहेगी। फिर देखेंगे सामने। अब हम क्या करेंगे, फोल्ड करना है आगे, लेकिन पैर की हमें अपने मुद्रा चेंज करनी है। तो जो राइट लेग है उसको इस तरीके से फोल्ड ही रहने देंगे। लेफ्ट वाले लेग को पहले ऐसे रखना है, फिर पलट के, ठीक है, जो अंदर वाला थाई का हिस्सा है वो ज़मीन पे आ जाएगा, देखिए। और ये जो आपका पाँव है इसको अपने थाई से ऐसे चिपका के रखें। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे, इसके बाद आपको दोनों हाथ रखने हैं आगे। चेस्ट देखिए, सामने खुला रहेगा। आँखें बंद, सांस अंदर और धीरे धीरे नीचे आके आपको फोल्ड करना है। यहाँ पे होल्ड कीजिए। धीरे से आ जाएंगे आप ऊपर। सेम चीज दूसरे पैर के साथ। पहले आ जाएं सुखासन में।
इसको इस तरीके से रहने देंगे, दूसरे पाँव को पलट के ऐसे रखना है, ये जो पैर है इसको थाई से जोड़ेंगे, हाथ आगे सांस अंदर और छोड़ते हुए नीचे। अगर आप पूरा हाथ आगे तक खोल के नीचे आ सकते हैं तो और भी अच्छा है, नहीं तो जैसे पहले किया था वैसे कीजिए। एक दो तीन चार पाँच, बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलेगा। धीरे धीरे सांस भरते हुए आ जाइए वापस ऊपर। यहाँ से हम दोबारा से आ जाएंगे सुखासन में। इसके बाद क्या करेंगे, ट्विस्ट करते हैं। लेफ्ट हाथ को राइट पे रखा, पीछे वाले जो हाथ है उसको घुमा करके अपनी कमर के बिल्कुल सेंटर में, और धीरे से सांस भरते हुए फोल्ड करके जितना हो सके पीछे देखें। इस हाथ को कोशिश करें सीधा रखने की। यहाँ पे रुक जाइए 2 से 3 सेकंड, सांस छोड़ते हुए वापस। जब मैं बोलती हूँ सांस छोड़ते हुए वापस, तो ऑटोमेटिकली आपको सांस लेके फिर छोड़ना है, वापस आ जाइए। देखिए करके दिखाती हूँ, सांस अंदर छोड़ दिया, यहाँ पे रुके रहे, नॉर्मल सांस लेते रहे। फिर जब मैं कहती हूँ सांस छोड़ के वापस आइए, इसका मतलब हुआ सांस अंदर पहले और छोड़ते हुए धीरे 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 वापस। इसके बाद दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, इंटरलॉक कीजिए फिंगर को, खींचे पूरा हाथ को ऐसे, चेस्ट पूरा खुला हुआ, सामने पहले देखेंगे और इनहेल करते हुए सीलिंग के ऊपर। पीछे जो हाथ है ना वो स्ट्रेट रखिए, 1 2 3 4 5, धीरे से आ जाइए वापस। अब हम कर लेंगे सीटेड कैट काउ, मर्जरी आसन, बितली आसन, ऐसे सुखासन में बैठ के हाथ पूरे खुले हुए। कैसे करेंगे हम इसको, सांस भरेंगे, पूरी जो बाहें हैं अपनी खोलेंगे, चेस्ट बाहर और ऊपर सीलिंग की तरफ। सांस भरते हुए रुके थोड़ा सा और छोड़ते हुए दोनों हाथों को क्लोज लाते जाएंगे। आपका जो चेस्ट है अंदर की तरफ जाएगा, लेकिन आपके जो हिप हैं वो रोल कर जाएंगे, ये देखिए, और आपको अपने चेस्ट की तरफ देखना है। अच्छा सा स्ट्रेच मिलेगा। सांस भरिए, पीछे जाइए पूरा ऊपर सीलिंग में, पूरी बाहें पीछे की तरफ खुली हुई, छाती एकदम आगे और फिर छोड़ते हुए अंदर। ये चीज़ हम टेबल टॉप के साथ करते हैं, हम आने वाले डेज में करेंगे, अभी हम सीटेड करेंगे। तो 5 बार ये कर लेते हैं, पूरा चेस्ट बाहर, वेरी गुड। और अब दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए, फिर से करिए, पूरा हाथ खुला हुआ, चेस्ट बाहर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को मिलाएंगे, रोल बैक करेंगे, एक सी बन जाएगा आपकी पीठ से, और सांस भरते हुए जहाँ से हम शुरू कर रहे थे वहीं पे वापस, हाथ नीचे, दोनों हाथ आगे कीजिए। अब फिंगर्स को इस तरीके से, ये देखिए, 10 से 15 बार कीजिए, और ये आपको जब दिन में मौका मिल जाए ना तब कीजिए। फिर उसके बाद हम मणिबंध चक्कर कर लेंगे, रिस्ट रोटेशन, ये देखिए 10 बार। ये भी आपको ऐसे ही करते रहना है, इसके लिए कुछ अलग से आपको टाइम नहीं निकालना, जब टाइम मिल जाए तब। दूसरी तरफ, वेरी नाइस। इसके बाद ये हाथ जो है पूरा खोलेंगे, दूसरे हाथ की मदद से इसको पीछे खींचेंगे, ये देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ऐसा करने के बाद फिर दूसरी तरफ कर लेंगे, ये देखिए, इस तरफ आपको ज़्यादा नहीं दबाना, इस तरीके से हल्के हल्के दबाना है, बहुत ज़्यादा प्रेस मत कीजिएगा, क्योंकि अभी कोई नस खिंच जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। धीरे से हाथ वापस, सेम चीज़ दूसरे हाथ के साथ करेंगे। आर्म देखिए मेरी पूरी एकदम सीधी है, खींचा इसको पीछे और फिर दूसरी तरफ, यहाँ पे ज़ोर से नहीं, हल्के से, फिंगर्स एकदम स्ट्रेट, थोड़ा थोड़ा प्रेशर देंगे, इतना कि आपको अच्छा लगे। पेन हो रहा है इसका मतलब ठीक नहीं हो रहा है, हाथ आ जाएगा वापस। फिर से उंगलियों को एक बार स्ट्रेच इन एंड स्ट्रेच आउट, ये ऐसे ऐसे कर लीजिए और हाथ आ जाएंगे आपके वापस। अगला आसन हम करेंगे पारिव्रत जानुशीर्षासन, बहुत ही अच्छा आसन है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, अपना एक पैर जो है उसको रहने देना होगा फोल्ड, दूसरे पैर को खोल लेंगे। तो मैंने लेफ्ट को भी फोल्ड रखा है, राइट को आपको सीधा करना है। तो पहले आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएं। इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये कि आपका जो घुटना है वो इस तरीके से उठा हुआ नहीं होगा, घुटना नीचे ही होना चाहिए।
अब सबकी अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कुछ लोग शायद यहाँ पे पैर रुक जाएगा, कुछ लोग का यहाँ पे रुक जाएगा और कुछ का पूरा अच्छे ऐसे सीधा खुल सकता है, ठीक है। लेकिन आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से करेंगे। ध्यान रखने की चीज़ यह है कि आपके हिप अच्छे से ज़मीन पे लगे हुए होने चाहिए, हिप उठा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा जो मैंने नहीं बताया वो नहीं उठा होना चाहिए। और ये जो आपके पैर हैं वो भी एकदम देखिए एक्टिव है, मैंने ऐसे ढीला नहीं छोड़ा हुआ है, सक्रिय है। योग में पूरे समय आपका जो शरीर है ना वो सक्रिय रहना है, पूरे शरीर में सर्कुलेशन होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना गुल्फ नमन कर लेंगे यहीं पे बैठे बैठे। ये देखिए 4 से 5 बार, इससे आपके जो हैमस्ट्रिंग है उसमें खिंचावट नहीं आएगी। ये ऐसे ऐसे कर लिया, ठीक है। और फिर थोड़े से राउंड लगा लिए 4 से 5, पहले एक डायरेक्शन में फिर दूसरे डायरेक्शन में। ये जो मैं एंकल वाले रोटेशन आपको बता रही हूँ देखने में बहुत सिंपल है पर आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी, जब भी टाइम मिलता है बैठे बैठे आप इनको कीजिए। चलिए अब करते हैं पारिव्रत चालुशीर्षासन। ये 2 उंगलियों से आपको अपने बड़े अंगूठे को पकड़ के अपनी तरफ खींच के रखना है, तो स्ट्रेच मिलेगा। यहाँ पे आप रुकिए, ये देखिए थोड़ा सा नीचे आइए जितना आपको आया जाता है उतना, लेकिन आपको मुड़ना नहीं है। चेस्ट आपका मेरे जैसे कैमरे में फ्रंट में है वैसे ही आपको रहने देना है। इस तरफ देखते हुए सांस भरें, हाथ उठाएं और फिर आपको चिन मुद्रा में हाथ ऐसे रखना है और यहाँ पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, वापस आ जाइए, यहाँ पर ही रहेंगे। ये हो गया आसन, इसके बाद दोनों हाथ उठा करके आपको होल्ड करना है। 1 2 3 4 और 5, धीरे से अपने हाथों को ले आइए वापस। सेम चीज़ हम दूसरे पैर से करेंगे, इसको हल्के से लेके आएँ, सुखासन में आ जाएँ। पहले यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेना है तो ले सकते हो आप वीडियो पॉज करके, नहीं तो डायरेक्टली दूसरा पैर खोल दीजिए आगे। सेम वही चीज़, पैर को पहले सेटल किया, चेक कर लिए अपनी अलाइनमेंट और कर लेंगे हम गुल्फ नमन। आगे पीछे आगे पीछे एंकल को बेंड करेंगे और फिर रोटेट करेंगे गुल्फ चक्र। 4 से 5 बार कर लिया, फिर दूसरी तरफ कर लिया, बहुत आराम मिलेगा इससे। बस इसके बाद वही सिंपल चीज़ करनी है, 2 उंगलियों से अंगूठे को टाइटली अपनी तरफ खींचेंगे। ध्यान दें अपनी अलाइनमेंट पे, चेस्ट एकदम सामने, सांस भरें। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 10 सेकंड रुकना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, वैसे 5 सेकंड से आपको शुरू करना है। धीरे से हाथ नीचे, फिर इसके बाद सांस भर के हाथ ऊपर और रुकेंगे। 1 2 3 4 और 5, सांस भरें, छोड़ते हुए धीरे से हाथ को ले आएं वापस और यहाँ से आपको दोबारा से आ जाना है सुखासन में। अब हम करेंगे बद्धकोण आसन, तितली आसन, अल्टरनेट कैसे करना है। सबसे पहले बद्धकोण आसन में आ जाइए, दोनों फिंगर्स इंटरलॉक कीजिए, सामने देखिए, 5 सेकंड यहाँ रुके। 1 2 3 4 5, अब हम 5 बार तितली कर लेंगे। 1 2 3 4 5, फिर 5 सेकंड बद्धकोण आसन में रुकिए। 1 2 3 4 5, फिर 5 बार तितली। 1 2 3 4 5, फिर से होल्ड। 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद आपको तितली आसन। 1 2 3 4 5, फिर आ जाएंगे हम लोग वापस सुखासन में। इसके बाद हम करेंगे उपविष्ट कोणासन, जिसके लिए दोनों पाँव को आपको सामने पूरा खोलना है, जितना आपसे खुला मतलब जितना आपसे खुलता है उतना आप अपने पाँव को खोलिए। पहले यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाइए, ये हिप के जो मांसपेशियाँ हैं उसको थोड़ा उठाइए, जो आपके घुटने हैं वो सीधे रहने चाहिए, आपको ध्यान रखना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से
फिंगर से अंगूठे को पकड़ना है और फिर थोड़ा सा बैंड हो जाएंगे। यहाँ पे बैंड होकर के 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 धीरे से आ जाएंगे वापस दूसरी तरफ। 1, 2, 3, 4, 5 जब ये चीज़ अंगूठे के साथ हो जाएगी फिर अब हम करेंगे साइड में। हाथ यहाँ रखा, ये उठाया और थोड़ा सा बैंड। 1, 2, 3, 4 और 5 धीरे से दूसरी तरफ। 1, 2, 3, 4, 5 हाथ आ जाएगा नीचे। इसके बाद ये चीज़ फ्रंट में करनी है धीरे से हाथों को। अब ये आप यहाँ पे भी रुक के, आपको लगेगा नीचे नहीं आ सकते तो यहाँ रुक जाइए, नहीं तो आपको यहाँ पर आना है। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे रुके रहिए, सांस भरिए, ऊपर जाइए। दोनों उंगली से इस बार अंगूठा पकड़ेंगे और थोड़ा सा नीचे। 1, 2, 3, 4, 5 सांस भरिए, आ जाइए ऊपर। देखिएगा आपको यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रेच मिल रहा होगा, तो जो हमारे पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सारी मैं क्रियाएं और आसन आपको करवा रही हूँ। और फिर मैं आपको बताऊँगी कीगल एक्सरसाइजेज, जिसका मैं लिंक डालूँगी, जो आपको ये ज़रूर प्रैक्टिस करना है, तो वो ज़रूर कीजिए साथ में। दोनों हाथों को देखिए ऐसे पीछे रखा मैंने, चेस्ट एकदम स्ट्रेट है, सामने देखिए, धीरे से सांस भरते हुए सीलिंग की तरफ होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5 सामने आ जाइए और इसी में बैठे बैठे हम करेंगे ट्विस्ट। तो लेफ्ट हैंड से राइट वाले पैर का आपको घुटना पकड़ना है, हल्के से ट्विस्ट करना है, बहुत हल्का ट्विस्ट। फिर अब हम आ जाएंगे दूसरी तरफ। वेरी नाइस, सामने देखिए। इसके बाद यहाँ से ही हम चले जाएंगे अर्ध मत्स्येन्द्र आसन में, जिसके लिए क्या करेंगे, पैरों को पहले फोल्ड करके वापस आ जाएंगे सुखासन में। अब हम राइट लेग को नीचे फोल्ड करके रखेंगे, ठीक है, और जो लेफ्ट वाला लेग है उसके उसको उसके ऊपर रखना है, पर फोल्ड नहीं करेंगे। ये देखिए घुटना और एंकल ऐसे, फिर इस हाथ से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, कोनी को इसके आगे जमाएंगे और हाथ ये वाला पीछे जाएगा, यहाँ से पीछे देखेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5 धीरे धीरे आ जाएं वापस और हाथ नीचे। अब अगर आपको लग रहा है कि आपको ट्विस्ट ज़्यादा गहरा लग रहा है, तो जब आप हाथ यहाँ रखेंगे ना, आप पूरा ट्विस्ट मत दीजिए, बस यहाँ तक आपको देखना है। धीरे धीरे ट्राई कीजिए कि आप पीछे जा सकते हैं या नहीं। चलिए देखिए, सबकी अलग अलग आपकी रेंज होती है फ्लेक्सिबिलिटी की, तो जो जो मैं आसन करा रही हूँ मैं अपनी तरफ से उसका इजी वर्जन करा रही हूँ, फिर भी टफ लगता है तो आपको वो नहीं करना है। दूसरा पैर रख लीजिए, ये रखा सेम चीज़ और ट्विस्ट हो गए। 1, 2, 3, 4 और 5 धीरे से वापस आ गए सुखासन में। इसके बाद हम थोड़ा सा रोटेशन करेंगे अपनी कमर से, तो देखिए हाथ आपको इस तरीके से रखना है और इस तरीके से आप अपने हिप्स को रोटेट करेंगे, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 बार। 2, अच्छे से पूरा पूरा घूमिए। 3, 4 और 5 सेंटर में आ जाइए। फिर से करते हैं दूसरे डायरेक्शन में 5 बार। सांस भरिए, छोड़िए, सांस भरिए, छोड़िए, सांस भरिए, पीछे जाइए। तो भरते हुए पीछे जाना है, छोड़ते हुए आगे आना है।
दो तीन, बिल्कुल आराम आराम से करना है। देखिए ज़रूरी है कुछ ना कुछ अपने शरीर से एक्टिविटी लेना है इस टाइम पे। आपको और कुछ नहीं तो पेन थोड़े कम हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे तो पिकअप कर ही लेंगे, है ना। लेकिन शुरुआत करने में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। धीरे से आ जाइए सेंटर में। अब हम कर लेते हैं उदित बालासन, जिसके लिए वज्रासन में बैठेंगे। जांघों को खोला जैसे कल किया था ना, सेम। ये देखिए सांस भरिए, छोड़ते हुए आगे आगे वॉक करेंगे। हल्के से यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। रुकिए यहाँ पे, हल्का सा उठिए। अब जो राइट हैंड है ना, उसको देखिए ऐसे अंदर डालिए, ऐसे अंदर डालिए डालिए पूरा, ये देखिए। और फिर सर को नीचे रखिए, आंखें बंद। धीरे से सर उठाइए, हाथ आ जाएगा बाहर। यही चीज़ दूसरे हाथ के साथ। तो देखिए कैसे किया मैंने, सांस अंदर छोड़ा, होल्ड, आराम से यहाँ पे सांस लीजिए। और ये बहुत ही रिलैक्स करता है। वेरी नाइस। धीरे से सांस भरा, सांस छोड़ते हुए हाथ सीधे। अब देखिए क्या करेंगे, दृष्टि आपके सामने है ना, कोशिश कीजिए कि एल्बो से अपने हाथ को मोड़ें। ये देखिए पहले नमस्कार मुद्रा बनाई ना ऐसे, और ये स्ट्रेट माथा ज़मीन पे। देखिएगा आपके कंधे को कितना अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। यहाँ पे रुक जाइए, धीरे से हाथ नीचे रखे आ जाए, सामने देखें, सांस भरेंगे और धीरे धीरे यहाँ से वॉक बैक करेंगे वापस से वज्रासन में। सामने देखिए, दोनों हाथ ले जाइए पीछे, इंटरलॉक कीजिए, इंटरलॉक कीजिए, चेस्ट आगे निकालिए, ऊपर देखिए, होल्ड, सांस लीजिए। यहाँ पे सांस नहीं रोकना कहीं भी जब तक मैं ना बोलूँ। अंदर एक सांस लें और छोड़ते हुए नीचे आइए। थाइस देखिए मेरे जुड़े हुए हैं, इस बार जुड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे। धीरे धीरे नीचे आइए, वेरी नाइस। माथा लगा दे नीचे और हाथ ऐसे स्ट्रेट, पूरे शरीर में आपके एकदम ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगी आज। और वही हमें करना है अभी, शरीर को धीरे धीरे फ्लेक्सिबल बनाना है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करना है, जॉइंट्स थोड़े से स्ट्रांग होंगे, हल्के हल्के आ जाए ऊपर, कोई जल्दी नहीं है। आसन यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब करेंगे हम प्राणायाम। आज हम करेंगे चंद्र भेदन प्राणायाम। ये प्राणायाम बहुत अच्छा है, रिलैक्स करता है आपको, शांत करता है। तो इसके लिए हम सेम विष्णु मुद्रा बनाएंगे, एक हाथ को चिन मुद्रा में रख देंगे। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें चंद्र नाड़ी यानी कि जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है, जो हमारी बाएं नासिका है, उससे सांस अंदर ली जाती है और राइट नॉस्ट्रल से सांस बाहर ली जाती है। लेकिन फिर से जब आप साइकिल कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको लेफ्ट से ही शुरू करना होता है। मतलब सांस अंदर सिर्फ लेफ्ट से ही इसमें ली जाती है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो देखिए मुद्रा बनाई, थंब से बंद किया, लेफ्ट से सांस को अंदर लिया, राइट से बाहर। ये एक साइकिल हुई है, ठीक है। अब दोबारा से लेफ्ट से अंदर और बाहर, 10 बार कर लेते हैं। लेफ्ट से अंदर, सांस अंदर,
5 साइकिल और सांस अंदर। छः, सात, आठ, नौ, दस। हाथ नीचे, यहां से ही भ्रामरी कर लेते हैं। सांस अंदर, दो बार और सांस अंदर। एक बार और सांस अंदर। हाथ वापस, आंखों को बंद ही रहने देंगे। ओम चैंटिंग करते हैं, दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, चेहरे पे एक स्माइल। आंखों पे रखें, कंधे, आंखें बंद ही रहने दें। पहले नीचे देखा करें और फिर उसके बाद धीरे धीरे आंखों को खोलना है, एकदम झटके से नहीं। चेहरे पे एक स्माइल। आई होप आपको डे टू अच्छा लगा हो। डे थ्री के लिए मिलते हैं। आई नो बहुत डिफ़िकल्ट है अपने लिए 5 मिनट भी निकालना, पर ट्रस्ट मी, अगर आप खुद को प्रायोरिटाइज़ करने लगेंगे और खुद को भी प्यार करने लगेंगे तो आप आसपास सबकी केयर कर पाएंगे। आपको कल मिलती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।